सब्सक्राइब एंड लाइक डिजिटल खबरें फॉर मोर अपडेट्स। सर, ये वीआईपी मोबाइल नंबर के बारे में एक जो केस दर्ज हुआ है, क्या केस है, क्या बताएंगे? जी, मैं एपीए संजय पवार, नॉर्थ रीजन साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर फैन। वीआईपी नंबर के बारे में एक केस दर्ज हुआ है हमारे पुलिस स्टेशन में। 19 जून को कंप्लेंट आया था। कंप्लेंट को वीआईपी नंबर देने के बहाने एक्यूज ने व्हाट्सएप मैसेज किया था। कंप्लेंट ने भी उसको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद एक्यूज ने वापस उसे मेल किया था। मेल करने के लिए उसने एक्यूज ने अच्छी कंपनियों के जो ईमेल आईडीज, एड्रेस, जीएसटी नंबर उसका यूज़ किया। उसके वजह से कंप्लेंट को उस पर भरोसा हुआ और फिर कंप्लेंट ने वीआईपी नंबर के लिए स्टेप बाय स्टेप 3,33,000 इतना पैसा उसको पे किया। पे करने के बाद व्हाट्सएप नंबर जब बंद हुआ तब कंप्लेंट पोजिशन में आए और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। हाँ, क्या बताएंगे फिर इन लोगों को कैसे अरेस्ट किया पुलिस ने? कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद हम लोगों ने, हमारे टेक्निकल टीम ने उसका पूरा ये डाटा का स्टडी करके हम लोग नागपाड़ा वगैरह इस एरिया में पहुँचे। नागपाड़ा में एक घर उन्होंने ट्रेस किया। वहाँ पे हम लोग ने ऑब्जर्वेशन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा घर को, और फिर एक दिन एक्यूज को दबोच लिया। जब भी एक्यूज को दबोचा तभी एक्यूज के ताबे में हमें 10 सिम कार्ड, 6 मोबाइल और 8 एटीएम कार्ड मिले, और उसी के साथ हमें एक कट्टा मिला, गांवटी कट्टा मिला, और 9 लाइव राउंड्स मिले। सर, कहाँ पे पुलिस ने ये केस दर्ज किया है, क्या बताएंगे? ये केस नॉर्थ रीजन साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम के अंडर दर्ज हुआ है। आगे लोगों को क्या बताएंगे कि कैसे इसमें से बचें? हर किसी को वीआईपी नंबर चाहिए। फिलहाल ऑल ओवर इंडिया हर कोई चाहता है कि मुझे वीआईपी नंबर चाहिए। ये वीआईपी नंबर लोग इसलिए चाहते हैं कि उनका बिजनेस बढ़े या फिर उस नंबर से उन्हें पहचाना जाए। जब आप वीआईपी नंबर चाहते हो, लेना चाहते हो, तब ये जो मोबाइल कंपनीज है, वो मोबाइल कंपनीज के जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है या उनके ऑफिस में जाके आप वो सब कार्रवाई कीजिए पूरी। अगर कोई आपको सोशल मीडिया थ्रू या कोई SMS थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू आपको अगर कहता है कि आपको नंबर हम देंगे, तो उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। धन्यवाद।